वेलकम बैक टू ऑप्शन असेट ट्री। आज का हमारा वीडियो है फिनवेशिया का रिव्यू। तो फिनवेशिया अपने आपको एक ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम मीन ज़ीरो फीस लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है और प्रोवाइड करने वाला ब्रोकर बोलता है। तो मैंने भी अपना अकाउंट ओपन करवाया ताकि मैं चेक कर सकता हूँ कि कोई इश्यूज़ आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स रेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और वो जो क्लेम कर रहे हैं ज़ीरो कमीशन फ्री लाइफ टाइम तो वो सच है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक महीने पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट फिनवेशिया के साथ ओपन करवाया था। इट टेक्स ओनली 5 मिनट टू कम्प्लीट द प्रोसेस। 5 मिनट में सारी प्रोसेस कम्प्लीट हो गई। 3 दिन के बाद मेरा CDSL का अकाउंट भी ओपन हो गया और मैं ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक, तो इसी तरह आप भी अकाउंट इजीली ओपन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इनका फर्स्ट प्लस पॉइंट है कि आप अकाउंट को फास्टली ओपन करवा सकते हो डिजिटली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आप अपना ट्रेडिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो क्लेम करते हैं कि दे आर कमीशन फ्री फॉर एवर, तो ये सच है कि नहीं? तो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच है। मैंने अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी रुपया पे नहीं किया है, वो कम्प्लीटली फ्री था। और पिछले 30 दिनों से जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो भी कम्प्लीटली फ्री है, मीन्स ब्रोकरेज फ्री है। बाकी तो जो आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस, GST, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस वो पे करना है, वो तो आपको सब ब्रोकरेज में पे करना ही, उनसे आप बच नहीं सकते। उनसे तो है कोई प्रॉप डेस्क भी नहीं बच सकता, कोई ब्रोकर भी नहीं बच सकता, उनको भी अगर ट्रेड करना है तो ये पे करना ही पड़ता है। डिलीवरी भी फ्री है, ट्रेडिंग अकाउंट की AMC भी फ्री है, मीन्स एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको पे नहीं करने हैं, ना ही डीमैट के ना ही ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियरिंग चार्जेस भी फ्री है, और ये सब मैं आपको ट्रेडिंग नोट में अभी बताऊंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आती है उनमें आपको क्लियरली दिखाऊंगा। तो अभी देख लेते हैं, चलो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो मेल आईडी उनके साथ जो कनेक्टेड है, तो मुझे एक दिन ट्रेड करूँ तो नेक्स्ट डे 9 AM से पहले ही मेल्स आ जाता है, मार्जिन रिपोर्ट भी आ जाती है, बैक ऑफिस की रिपोर्ट भी आ जाती है। तो मेल्स आर कम्प्लीटली टाइम टू टाइम मुझे मेल आता है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो भी बहुत ही इंटरएक्टिव है। तो मेरा मोस्टली डेली 25,000 के आसपास टर्नओवर होता है ऑप्शन सेलिंग और बाइंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अभी 1833.75 रुपीस का लॉस हुआ था। कब हुआ था? तो 24/6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ब्रोकरेज ज़ीरो। ओके, आप देख लीजिए लास्ट तक ब्रोकरेज ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग के जो ब्रोकरेज होती है वो फ्री होती है, इन्वेस्टमेंट भी फ्री होता है। इन्वेस्टमेंट तो खैर ज़ीरोधा में भी फ्री है, वहाँ पे भी कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है, सिर्फ हमें CDSL के चार्जेस फिनवेशिया में भी पे करना है, और वो तो किसी भी ब्रोकर के पास आपको CDSL के चार्जेस तो पे करने ही पड़ेंगे, जो 8-9 रुपीज़ के अराउंड आता है। बाकी के टैक्सेस तो हमें सभी जगह पे करने हैं। तो बेनिफिट क्या हो रहा है? तो हमारा ब्रोकरेज सेव हो रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप FNO में ट्रेडिंग करते हो, तो आप जानते हो कि ब्रोकरेज जो होती है मंथली वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, वो हमारे प्रॉफिट्स को भी डाइजेस्ट कर जाती है कभी कभी। तो जो ब्रोकरेज सेव करता है वो बहुत ही बड़ी अमाउंट हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 1 मंथ मैंने कितनी ब्रोकरेज सेव की। तो वो जो क्लेम करता है कि ब्रोकरेज फ्री है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, तो वो सब कुछ राइट है और मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट है उनका सपोर्ट चैट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए 2 ऑप्शन है, आप कॉल भी कर सकते हो, आप यहाँ पे आके चैट करके भी उनके साथ बात कर सकते हो। अभी ये लाइव नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं सैटरडे को अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मार्केट्स बंद है। तो मंडे टू फ्राइडे यू कैन चैट विद देम और अपने इश्यूज़ को सॉल्व करवा सकते हो। मेरे 2 बार इश्यूज़ आए थे, दोनों ही बार चैट से ही सॉल्व हो गए। उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ज़ीरोधा के बराबर ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं विदाउट एनी हैसल, मींस कोई भी परेशानी के बिना। ओके, तो नेक्स्ट है 0 API फीस, जो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। आप जानते हो कि आजकल सभी लोग अल्गो ट्रेडिंग करने लग गए, अल्गो ट्रेडिंग कोई अभी तो रिटेल लोग भी करने लग गए। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म है ट्रेड ट्रॉन करके,
यहाँ पे आप अपनी सिस्टम को ब्लॉक में अरेंज करके अपनी ट्रेडिंग सिस्टम का अलगो बना सकते हो। अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज ना हो फिर भी आप ये बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बनाया है और मैं कोई आईटी के बैकग्राउंड से कोई नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई आईटी इंजीनियर भी नहीं हूँ, तो फिर भी मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम का अल्गो क्रिएट किया और उसको मैं डिप्लॉय भी कर रहा हूँ। तो मोस्टली ब्रोकरेज क्या करता है कि जब आप ट्रेडट्रॉन का जो अल्गो है वो अगर आपको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे रन करना है तो आपको एपीआई की सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है, जो ज़ीरोधा में अराउंड पर मंथ 2000 रुपीज़ आती है। लेकिन वो फीस फिनविशिया में पे नहीं करनी पड़ती, दे आर चार्जिंग ज़ीरो फॉर एपीआई फीस। ओके, ये बहुत ही बड़ा मैजिकल कॉम्बो है, मीन्स आपको एपीआई की फ़ीस भी पे नहीं करनी है, आपको ब्रोकरेज भी पे नहीं करना है, तो आप बहुत सारा अमाउंट सेव कर सकते हो। मैं अभी दिखाऊंगा कि मैंने कितना लास्ट मंथ अमाउंट सेव किया। मैं ब्रोकर ज़ीरोधा में ट्रेड करता तो कितनी अमाउंट आती, जो मेरा अकाउंट ऑलरेडी है एक, पर यहाँ पे मैंने कितना अमाउंट सेव किया, ठीक है। तो अगर आपका ट्रेडट्रॉन पे अकाउंट नहीं है तो आप बनाइए, क्योंकि ट्रेडट्रॉन क्या है कि फ्री में आपको ट्रेड करने की फैसिलिटी भी देता है। अगर आपकी कोई ट्रेडिंग सिस्टम है आप बना सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो फ्री में, और अगर आपको लाइव में भी रन करना है तो उनके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो सस्ते ही होते हैं। 350 रुपीज़ पर मंथ में आप अपना कोई भी एक अलगो अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट करके रन कर सकते हो। और बिलीव मी, आने वाले टाइम में मैं तो कहता हूँ अभी भी लोग अलगोज ही रन करते हैं, एक सेकंड में मल्टीपल ऑर्डर्स को पंच करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं होता है। और मुझे तो बहुत सी स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग हो गई है मेरी, तो अलगो रन होता है, मैं सिर्फ देखता रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है तभी मैं मैन्युअली कुछ काम करता हूँ। बाकी सिस्टम बनाई हुई है, ट्रेडट्रॉन अपनी तरफ से ऑर्डर पंच करता रहता है, प्राइजेस सेम ही होती है, मैन्युअली से भी बेटर होती है, और मुझे मैन्युअली कोई भी लोड नहीं लेना पड़ता है। मैं सिर्फ देखता हूँ कि अल्गोस ठीक से रन हो रहे या नहीं हो रहे। तो अगर आपने ट्रेडट्रॉन पे अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो करवाइए, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाके क्लिक करते अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कोई भी अल्गोस आप क्रिएट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेडिंग का कोई चार्ज नहीं है, लाइव ट्रेडिंग कीजिए वो भी मिनिमम चार्जेस पे हो जाती है, और अपनी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसको अलगो क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप ऑटोमेट नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम्स रहेगी। ऑटोमेट करते ही क्या होता है कि आपका बहुत सारा वर्कलोड कम हो जाएगा और आप आराम से काम कर पाओगे। तो जो फिनिशिया है वो ज़ीरोधा एपीआई फीस प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। उनका नेक्स्ट प्लस पॉइंट है उनकी जो विड्रॉल फीस होती है, मीन्स विड्रॉल फीस तो मोस्टली कहीं पे नहीं होती, लेकिन विड्रॉल का जो टाइम है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, मीन्स अगर आप सुबह रिक्वेस्ट डालोगे तो शाम तक आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, जो मोस्ट ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं करते। आप रिक्वेस्ट डालोगे तो नेक्स्ट डे आपका अमाउंट रिसीव होगा, तो सेम डे विड्रॉल, ये बहुत ही फास्ट है फिनिशिया में, मैंने ये करके भी देखा है और सेम डे मुझे विड्रॉल मिल गए थे। तो ये तो हुए उनके प्लस पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो मुझे तो अभी तक नेगेटिव पॉइंट्स से पहले मैं अपने इश्यू शेयर कर देता हूँ। तो लास्ट 30 डेज में मुझे सिर्फ 2 इशू आए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक इशू। कोई भी इशू आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में उनसे बात कीजिए, सॉल्व हो जाता है। तो मुझे ये लास्ट वेडनेसडे मेरे जो ऑर्डर है, स्टार्टिंग के ऑर्डर्स कम्प्लीटली पंच हुए थे, लेकिन 1:30 बजे एक ऑर्डर पंच नहीं हुआ था और वो एरर दिखाया जा रहा था, तो क्लोज नहीं हो रही थी पोजीशन, स्क्वायर अप नहीं हो रही थी। तो मेरी साइड से मार्जिन में कोई इशू नहीं था, मैंने मैन्युअली फिर उस ऑर्डर को सुनिया में जाके, जो उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सुनिया, वहाँ पर जाके मैंने मैन्युअली अपने ऑर्डर्स को क्लोज किया था, पोजीशन में जाके एग्जिट किया था मैन्युअली। फिर मैंने उनसे बात की थी, ये इशू आया है, स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, और 5 मिनट में उन्होंने कहा कि भाई इशू आया था लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा, हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं। और नेक्स्ट डे पे ने फिर से वो अल्गो रन किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और अल्गो ठीक से रन होने लगे, तो वो भी इजीली सॉल्व हो गया था, इशू आए थे लेकिन सॉल्यूशन मुझे मिल गया। नेक्स्ट एक बार फर्स्ट जब मैंने अमाउंट डिपॉजिट की थी तब क्या हुआ था, 2 घंटे के बाद वो सुनिया में रिफ्लेक्ट हुआ था। यहाँ पे आप जब भी अमाउंट ऐड करोगे तो सुनिया में यहाँ पे जाके एक्सपांड वॉल करोगे तो मार्जिन में आपका ये दिखाएगा, ये कैश है मेरा, ठीक। तो कैश की जो अमाउंट है वो वहाँ पे दिखेगी। तो 2 घंटे हो गए लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ अमाउंट, मैंने उनसे चैट पे बात की, उन्होंने कहा कि सर हो जाएगी, हमें
अमाउंट मिल गई है और हम वहाँ पे रिफ्लैग करवा देंगे। तो उन्होंने बोला कि बैंक में कुछ टाइम हो जाता है कभी कभी, डेढ़ घंटा जैसा, लेकिन आपकी अमाउंट रिसीव हो गई है और मैंने भी अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए IMPS के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो रखे थे। आप कभी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करो तो उसकी रिसीप्ट रखिए अपने पास। तो मैंने वो शेयर की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमाउंट आ गई है, हो जाएगी, और दो घंटे बाद वो रिफ्लेक्ट भी हो गई। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, ऑन द स्पॉट यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो एक ही बार इशू आया था, वो भी सॉल्व हो गया। अब माइनस पॉइंट, तो सर ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये इशू थे, रेज हुए थे, वो कोई भी ब्रोकर के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे तो NSE के टर्मिनल में भी ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है, भाव रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले FNO में कांड हुआ था, आपको बताओ तो FNO के भाव घूम नहीं रहे थे, FNO के प्राइजेस मूव नहीं हो रही थी। तो जब NSE के टाइम पे भी इतने बड़े इशू हो सकते हैं, तो सर ये तो ब्रोकर है, इशू आता है लेकिन वो रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। तो ये दो इशू थे, रिजॉल्व हो गए। अब लोगों को क्या डर है कि हाउ मच फिनिशिया इज सेफ। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब ज़ीरोधा स्टार्ट हुआ था और 20 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट का जो चार्ज ले रहे थे पर ऑर्डर, तो वो भी एक रिवॉल्यूशनरी थॉट ही था, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट की इंडस्ट्री में और बहुत सारे ब्रोकर्स को पीछे छोड़ दिया। तो जब भी कोई नया कंसेप्ट आता है तो थोड़ा बहुत उनको क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है कि वो रिवेन्यू कहाँ से ला रहे हैं। तो रिवेन्यू सर कहाँ से, इजीली है, उनको रिवेन्यू ज़्यादा चाहिए ही नहीं है क्योंकि उनकी एक ही हेड ऑफिस है जो मोहाली में है, उनकी कोई लोकल ऑफिस नहीं है हर जगह पे, क्योंकि सारा काम डिजिटली हो जाता है, सर चेयर बॉक्स से ही हो जाता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस वहाँ की मोहाली में ही है और उनको उनकी उसी के एक्सपेंसिस को मैनेज करना है, तो उनके एक्सपेंसिस कम है तो वो जीरो ब्रोकरेज अफोर्ड कर सकते। फिर भी उनका रिवेन्यू कहाँ से आता है, तो एक्सचेंजेस है, वो वॉल्यूम इंसेंटिव देते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो प्रॉप डेस्क, ब्रोकर्स के अपने खुद के अकाउंट्स और डिटेल से जो भी वॉल्यूम जनरेट होता है उसके बदले में ब्रोकर्स को और प्रॉप डेस्क को बेनिफिट मिलते हैं। तो जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो उनको बेनिफिट मिलता है। अगर जीरो ब्रोकरेज होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और उनके जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स है ट्रेडिंग, लाइक नेस्ट है, ब्रिज ट्रेड है, कुछ उनके खुद के प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स जो प्रोवाइड करते हैं, उनके चार्जेस होते हैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस, तो वो उसकी जो फीस है वो उनको जो उनका रिवेन्यू उसमें से जनरेट होता है, लेकिन वो रिवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रिवेन्यू मेन वही है, वॉल्यूम इंसेंटिव। एक बहुत प्रॉब्लम रेज हो रही है, एक इशू है जो बहुत लोग रेज करते हैं कि उनका जो फिनविशे का जो प्लेटफॉर्म है सुनिया वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो सर वेब प्लेटफॉर्म कोई भी अच्छे नहीं होते, अगर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग करनी है तो आपको नेस्ट पे ही जाना पड़ेगा या ओडिन पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई अलगो प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा जो प्रॉपडेस्क यूज़ करते हैं। ब्रिटेड करके एक आता है रिटेल लोगों के लिए भी, वो बिन फिनिशिया प्रोवाइड करता है, चार्जेस ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। वैसे ही आप लोग ब्रोकरेज तो चार्ज कर नहीं रहे तो उसका भी बेनिफिट मिल ही रहा है। तो एक महीने में मुझे तो कोई इशू रेज नहीं हुआ है, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि प्रॉब्लम है उसमें ब्रोकर में, बहुत इजीली स्मूथली रन होता है सब कुछ। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो फिनिशिया का अकाउंट ओपन करवाइए विदाउट प्रॉब्लम। और सेफ्टी तो ये है कि सर ब्रोकर कोई भी बैंकक्रप्ट हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम छोटे लोगों को पता भी नहीं होता कि बड़े बड़े लोग कहाँ पे कितना बड़ा घोटाला कर देता है। हम सिर्फ अपनी तरफ से फुल सेफ्टी रख सकते हैं और से भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे पैसों को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मेरी हम अपनी तरफ से इतना प्रोटेक्शन लेते हैं कि ब्रोकरेज जो ब्रोकर होता है उनके प्लेटफॉर्म पे अभी अपना कैश मत रखिए। कैश में हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब हम कुछ डिलीवरी लेते हैं, तो डिलीवरी के टाइम पे आप ट्रांजेक्शन कीजिए, ऐड कीजिए और ले लीजिए स्टॉक्स, सीधे CDSL में चले जाएंगे, CDSL से सेफ कोई जगह है ही नहीं, ओके। दूसरा आता है कि आप ट्रेडिंग करना चाहे FNO में, ऑप्शन सेलिंग करना चाहे, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहे, तो मार्जिन पे कीजिए, कोलेटरल लेके कीजिए, मींस अमाउंट ऐड कीजिए, जो भी कैश है उसे लिक्विड फीस ले लीजिए, भारत बॉन्ड ETF ले लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे होल्डिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए ये 2025 का ETF लिया हुआ है भारत बॉन्ड का, लिक्विड फीस लिए हुए हैं, स्टॉक्स भी लिया हुआ है एक, तो आप परचेस कर लीजिए कुछ ना कुछ। फिर उनको क्या कीजिए, प्लेज कीजिए, प्लेज करोगे तो आपको मार्जिन मिलेगा 90%, 80%, उस मार्जिन से आप ट्रेड कीजिए।
तो CDSL में तो कोई भी ब्रोकर बैंकक्रप्ट हो जाए, CDSL में तो आपके स्टॉक नहीं ले सकते, प्लेज किया हुआ भी नहीं ले सकते। अभी जो नए रेगुलेशन आए हैं, अगर आप प्लेज करोगे ना तब भी आपका स्टॉक आपके CDSL अकाउंट से नहीं हिलेगा। मैंने अभी जो प्लेज किया है लेकिन फिर भी होल्डिंग में दिखा रहा है, CDSL में भी दिखा रहा है, तो वो ब्रोकर नहीं ले सकता। और मैंने अपनी रिसिप्ट भी रखी हुई है कि मैंने प्लेज किया तो उसकी जो रिसिप्ट है वो मेरे पास ही है। तो आप सारा डेटा भी अपने पास ही रखिए, रिसिप्ट रखिए, ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट रखिए, तो आप अपनी तरफ से सेफ रहोगे। और कैश कम रखिए। मैंने सिर्फ कैश इसीलिए रखा है क्योंकि FNO में जो लॉस होते हैं वो हमें कैश में पे करने पड़ते हैं। तो अभी मेरा ये मार्जिन है 120, वो यूटिलाइज हो जाएगा और मुझे 2000 का लॉस होगा, तो 2000 मुझे कैश में पे करने पड़ेंगे, वो मार्जिन से नहीं चलता है। तो आप एंड ऑफ द डे अगर लॉस हो रहा है तब भी आप ऐड कर दीजिए। मैं थोड़ा सा आगे से ही रखता हूँ कैश, कुछ लेना पड़ता है स्टॉक, लेकिन फिर भी ये सिर्फ बहुत ही छोटी अमाउंट है कैश में अंदर अकाउंट में। फिर भी अगर ब्रोकर बैंकक्रप्ट हो जाए तो जो कैश अमाउंट होती है वो NSE जो CB होता है उसमें एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, वहाँ से हमें मिल जाती है, तो वो भी एक सेफ्टी है। तो जितने दूसरे ब्रोकर सेफ है उतना ही सेफ फिनिशिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और वो भी मुझे रिफ़र के लिए कुछ भी पे नहीं करते, कोई ज़्यादा बड़ा इंसेंटिव नहीं देते, 10% ब्रोकर देते, क्योंकि ब्रोकरेज पे करेंगे तो वो खुद सर्वाइव कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप कहीं से भी अकाउंट ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप ही का बेनिफिट है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कितना सेविंग किया है, अगर आप वो देखना चाहो तो मैं दिखाता हूँ। जो ट्रेडरों के अल्गो से डेली 12 ऑर्डर पंच होते हैं, तो टोटल मैंने 16 डेज ट्रेड किया है। मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम। तो कैलकुलेट करते हैं, तो 12 ट्रेड्स 16 डेज मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू जीरोधा, तो 3840 का ब्रोकरेज मैंने सेव किया है सिर्फ 20 दिन ट्रेड करके, मीन 16 डेज ट्रेड करके। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप घंटे में 12 ऑर्डर पंच कर दोगे, तो बहुत सारी सेविंग हो सकती है। प्लस मंथली API फीस जो जीरोधा में मुझे पे करनी पड़ती है और फिनिशिया में मैं पे नहीं करता हूँ, तो 5840 रुपीज़ मैंने सेव किए हैं। तो मीन्स मेरे जो डिपॉजिट है 1.5 लाख, उसके ऊपर 5 यानी कि 3% तो मैं हर महीना इसी से सेव कर रहा हूँ। तो आप भी सेव कीजिए ब्रोकरेज, डरने की बात नहीं है, जितना दूसरे ब्रोकर सेफ है उतने ही ये भी सेफ है। आप अपनी तरफ से सेफ्टी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेफ हमें रहना है सर। ब्रोकर तो कोई भी बैंकक्रप्ट हो सकता है, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सिस्टम 5 साल से प्रॉफिट दे रही थी वो अभी लास्ट महीने से सारे ड्रॉडाउन में चले गए, लाइक 920 स्ट्रैडल्स, 9 इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रैडल्स जो बहुत ही लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी लास्ट 3 महीनों से सारे ड्रॉडाउन में चल रहे हैं। हमें अपनी तरफ से सेफ्टी रखनी होती है। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो 30 दिनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इशू नहीं आया, आप भी यूज़ कीजिए इस प्लेटफॉर्म को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।